ये जो केजरीवाल जी फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं, ये उसके बाप का पैसा थोड़ी है। कोठी वाले के लिए भी आपने फ्री कर दिया, जो लाखों रुपए जो है दबा करके रखा हुआ है। महंगी हो जाएगी, हर एक चीज हो जाएगी। और मुफ्त खाना निकम्मेपन की निशानी है। हथियार इतने सब चीज आए हैं, वो मोदी का देन है। मोदी अगर देश विदेश गए हैं तो वो कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। गुजरात के 10-10 लोग इकट्ठे पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली के दो आदमी मतलब जाने एक जगह नहीं बैठ सकते। हर कोई कमल का बटन इतनी जोर से दबाएगा कि वहाँ शाहीन बाग में भी पता लगेगा कि हिंदू जाग गया है। दिल्ली वालों का मिक्स रिएक्शन वाकई काफी शॉकिंग है। कहीं आप तो कहीं बीजेपी, एंड इन सब में कांग्रेस कहीं लुप्त होती हुई दिखाई दे रही नहीं? या कांग्रेस तो कहीं गुमी हो गई है विधानसभा के चुनाव में, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आई है कि दिल्ली में लोगों की मिली जुली राय है। एक तरफ लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन जो मेन फोकस है उनका वो है कि मोदी, नरेंद्र मोदी जो है वो ही सत्ता की गद्दी संभाले दिल्ली की। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। लोग चाहते भी हैं कि बीजेपी जीते और सत्ता की गद्दी संभाले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी जी ने, यानी कि बीजेपी ने अभी कोई उम्मीदवार नहीं सामने लाया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का मोदी प्रेम या फिर बीजेपी प्रेम वाकई काफी अलग है, क्योंकि अभी तक बीजेपी नहीं आई है दिल्ली में। मतलब इतने सालों में, 15-20 सालों में बीजेपी नहीं आई है, लोग फिर भी चाहते हैं। मतलब आपने अभी तक इतने सालों में क्या कितनी कुछ चीजें बदल जाती है, हम भूल जाते हैं, लेकिन लोग मोदी को देखकर इतनी जो हाइप बना रखी है वो वाकई उसके लिए। क्योंकि आप ये देखिए ना, क्योंकि जमीनी स्तर पर नरेंद्र मोदी खुद उतरे हैं, अमित शाह गृह मंत्री है, उन्होंने कई रैलियां की हैं दिल्ली में जनता को लुभाने के लिए, ताकि बीजेपी का जो काम है वो केंद्र में छा सके और नरेंद्र मोदी का जादू एक बार फिर चल सके। और अचानक से जो ये तख्ता पलट, जिसे कहते हैं कि मतलब थोड़े दिन पहले तक केजरीवाल का इतना ज्यादा शोर था ना, अचानक से मोदी का सडनली आ गया ना, और मोदी जिस तरीके से प्रचार में लगे हुए हैं, पीएम मोदी हमारे, एंड अचानक से बीजेपी बीजेपी की भी लहर हो रही है। चुनाव में हर एक शख्स बहुत ही अहम किरदार निभाता है, चाहे उसमें देश के बड़े उद्योगपति हो या फिर कोई मामूली चाय वाला। और इसीलिए हम आज पहुंचे हैं चाय वाले भैया के पास, क्योंकि भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो भी एक चाय वाले थे, तो जानते हैं उनको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है। सर, इस बार विधानसभा चुनाव है तो क्या माहौल देख पा रहे हैं आप, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? मैं ज्यादा बीजेपी के जी, हाँ जी। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपको लगता है क्या काम करे हैं नरेंद्र मोदी ने, जो वो जितना विश्व में कर दिया ना, उतना कोई प्रधानमंत्री ने किया होगा, पूरे विश्व की बात बता रहा हूँ। जितना ये कर रहे हैं अभी और करेंगे। एक बार दिल्ली में बनने दो मुख्यमंत्री, फिर दिखाना है दिल्ली वासियों को जो क्या कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान संभालने में बहुत टाइम लगता है, इतना जल्दी थोड़े हो जाएगा। दाल रोटी थोड़े है, खा लिए, पकाए खा लिए, आटा गूंदो, रोटी बेलो, तब बनता है, चूल्हे में आंच लगाओ तब। मोदी जैसा सरकार कोई सरकार नहीं, देश का विकास मोदी सरकार। मैं तो बोलता हूँ लाखों मोदी मेरे इंडिया में हो जाए, लाखों मोदी, मैं ये कह रहा हूँ लाखों मोदी होना चाहिए मेरे इंडिया में। एक चीज देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से ये चाय वाले भैया हमारे सबका अट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर आप देखें लोग काफी इनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। और सबसे देखने वाली ये बात होगी, जिस तरीके से मोदी भक्त तो अपने को बता रहे हैं, आपको नहीं लगता आप इतना मोदी के बारे में बोल रहे हैं, आपको भक्त का जो टैग मिल रहा है उससे आपको मिल जाएगा? ऑब्वियसली इसके बाद तो पक्का मिल जाएगा, क्योंकि आप ऐसे बोल रहे हैं, चाहे आप राष्ट्रहित के फैसलों को देखकर बात कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये टैग मिल सकता है कि आप मोदी भक्त हैं। जी, मोदी भक्त हैं, हम शुरू से मोदी भक्त हैं। क्या बात है, हमारे घर में पूरे मोदी भक्त हैं। अच्छा जी, मोदी भक्त के जलवे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो नहीं लगाई होगी, बीजेपी से रिलेटेड सारे झंडे बीजेपी का, ये माता के झंडे। इसके लिए जान कुर्बान होता है इसके लिए। अच्छा, इनको सब सोलिट करता है इसी के लिए, एक तिरंगा के लिए। अच्छा, हाँ जी। आप ये दिल्ली के लिए आपने दावा किया है कि बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगा, बिल्कुल बीजेपी, बिल्कुल। अच्छा, और अगर नहीं आई तो? नहीं आई तो क्या, अगली बार आएगी? नहीं, जिंदगी इस बार आएगी। अच्छा, अब पब्लिक उसको देना है वोट उनको। बट एक बात आपकी माननी पड़ेगी, इन्होंने जिस तरीके से बोला है, पूरी भीड़ को जो इकट्ठा किया है, मेरे को समा बांध दिया आपने जी, अपनी इस पूरी थैंक्स एवरीवन बोल दो। देखो आपको देखो, सब कैसे सुनने आए हैं, देखने आए हैं। सुनेगा नहीं, आवाज बढ़िया है, जो अच्छा है तो अच्छा ही रुकेगा ना, बुरा तो चलता ही रहेगा। वो सब बीजेपी के आदमी है तो रुकेंगे ही, वो जानते हैं ना देश के लिए तरक्की कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ तरक्की कर रहे हैं तो उसका
काम होगा ही। ठीक है ओके। देश की तरक्की इन्होंने हमें बता दी, कौन कर रहा है या किसकी सरकार आनी चाहिए। यहाँ पर काफी सारी पब्लिक भी खड़ी है, आप लोगों को क्या लगता है किसकी सरकार आए तो बेहतर? मोदी जी की सरकार आए तो सबसे बेहतर ही है। अच्छा, एक एक करके सबसे बोल लेते फटाफट जो भी जिसका व्यू हो। मोदी जी अच्छे है, बीजेपी अगर आ गई दिल्ली वालों की जान खतरे में होगी। अच्छा, खतरे में होगी, ये अलग बात मिल गई हमें। अगर देश बचाना है तो मोदी जी के साथ रहना है। अच्छा, और अगर देश को बर्बाद करना है तो अन्य पार्टी तैयार है। सर, आप हमें काफी हंसमुख लगे, बड़ी देर से आप स्माइल कर रहे हैं, आप बताइए। ठीक है, सब जो समर्थन सब लोग कर रहे हैं वही हमारा समर्थन है। नहीं, फिर भी अपनी अपनी राय है, आप चाहे किसी को भी बोले। वही बीजेपी के लिए। वैसे TNN ये आपकी है, आप हमारा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, ये मैंने भविष्यवाणी कर दी है। अच्छा। मोदी जी ही है। मोदी जी आएंगे, मोदी, मोदी। ठीक है ओके। एक सेकंड फिर आप भी आ जाइए हमारे साथ, प्लीज फिर आप भी आ जाइए। हाँ, कह रहा हूँ मोदी जी तो पहले से ही आए हुए हैं। दिल्ली में भी सरकार चाह रहे हैं कि मोदी जी के आ जाए। जो इस टाइम लोगों को फायदा दिख रहा है, हर एक चीज, स्कूलों में काम वगैरह, ये सब बसें वगैरह हैं और हॉस्पिटल वगैरह हैं, तो अगर बीजेपी सरकार आ गई तो ये सोच लो कि एक जिंदगी दिल्ली वालों की खतरे में आ गई। हर एक चीज महंगी हो जाएगी। अच्छा, महंगी हो जाएगी, मुफ्त तो हट ही जाएगा और महंगा भी हो जाएगा। हाँ, महंगी हो जाएगी, हर एक चीज हो जाएगी। और मुफ्त खाना निकम्मेपन की निशानी है। मुफ्त कहीं ना कहीं लोगों को बेकार भी बना देती है, उनकी आदतें खराब हो जाती हैं। आदत खराब, आज एजुकेशन की जो ढांचा है वो मुफ्त की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, छोटे तबके के लोगों को जो है रियायत देनी चाहिए, लेकिन सभी को, जैसे मान लीजिए एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम करने वाली लेडी या जेंट्स है, लाखों का पैकेज लेते हैं, उनके लिए आपने फ्री कर दिया, तो मेन फ्री करना चाहिए उनको, जो लेबर टाइप के जो व्यक्ति हैं उनके लिए होना चाहिए, उनके लिए कार्ड बनाना चाहिए, तब ये सब समझते कि भाई बिजली आपने फ्री कर दिया, आप तो बिजली उनके लिए भी, कोठी वाले के लिए भी आपने फ्री कर दिया, जो लाखों रुपए जो है दबा करके रखा हुआ है, इनका टैक्स नहीं भरते हैं। भाई सर ने बताया किस तरीके से फ्री या जो स्कीम, फ्री वाली स्कीम के बारे में गलत है, बिल्कुल जनता को कहीं ना कहीं बेकार बना देगी। ये जनता की राय, ये हम नहीं बोल रहे, ऐसा जनता का ही कहना है। और आपने एक अलग तर्क दिया, हर जगह अपना अपना समर्थन है और वो इम्पोर्टेंट भी है, जिस तरीके से आपने बताया। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं जो सही बातें कर रहे हैं, कोई मे भी किसी का ना हो। आपने, हमने आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी, आप अगर हमें कुछ बताना चाहें, आप क्योंकि हमें दिख रहे हैं थोड़े से इंटरेस्टेड। केजरीवाल जी ये जो सब कुछ फ्री बांट रहे हैं, ये उसके बाप का पैसा थोड़ी है। थोड़ा सा सर इधर को आ जाएं सब, क्योंकि थोड़ा हमारी वजह से कहीं कोई किसी को दिक्कत ना हो। ये जो केजरीवाल जी फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं, ये उसके बाप का पैसा थोड़ी है। हम जनता लोग टैक्स भरते हैं तभी जाके वो, और वो फ्री सब कुछ फ्री, सबको गंदी आदत डाल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। और ये सब कुछ जनता देख रही है, यहाँ 70 में से क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, 70 की 70 सीट बीजेपी की आएंगी। अच्छा, आप दिल्ली वासी हैं? जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ जी। अच्छा, स्टूडेंट हैं जी। तो अच्छा, हमें एक नई राय मिली है, स्टूडेंट की राय मिली है, काफी बहुत अच्छी बात है। क्या युवा बहुत अहम किरदार निभाते हैं चुनाव में, क्योंकि युवाओं का बहुत ज्यादा महत्व है भारत में भी हमारे, तो कहीं ना कहीं युवाओं की राय बहुत ज्यादा मायने रखती है हम सबके लिए, और चुनाव में तो बहुत ही ज्यादा मायने रख जाती है, और नजरें टिकी होती है युवा पर कि भारत का युवा क्या सोचता है चुनाव में। देखो जी, हम सबकी बहुत ज्यादा आकांक्षाएं हैं मोदी जी से, मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर है, और ये हम सब युवा देख रहे हैं। और ये जो केजरीवाल की ये जो सोच है सब कुछ फ्री में दे देना, और ये तो बहुत ज्यादा गलत सोच है। ये हम कहते हैं अभी किसी को निठल्ला बनाने के लिए सबसे बड़ी, मतलब केजरीवाल को वोट देना तो हर आदमी निठल्ला बन जाएगा, क्योंकि हर किसी को ये हो जाएगा भी आपको फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, हर कोई आदमी मेहनत करनी छोड़ देगा, पैसा कमाना छोड़ देगा, तो ये बहुत गलत है। मेहनत करने छोड़ देंगे लोग अगर ये फ्री में मिल जाए तो, ये तो कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है कि फ्री वाली योजना है। लेकिन आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर बीजेपी के वोट देंगे दिल्ली में? देखो जी, बीजेपी की जो केंद्र में सरकार चल रही है उसमें हमने देखा है जी भी, भारत आज भारत की विदेशों में बहुत अच्छी साख बनी है मोदी जी के नेतृत्व में। अगर ऐसा कुछ यहाँ दिल्ली स्टेट में भी आता है तो हम दिल्ली वासियों का भी, मतलब काफी कुछ अच्छा डेवलपमेंट होगी, तो केंद्र की तर्ज पे ही हम देख रहे हैं अभी स्टेट में भी ऐसा विकास हो। अच्छा। जी, जिस तरीके से और राज्यों में बीजेपी ने विकास किया है, चाहे उसमें हरियाणा हो या फिर और भी कई राज्य हैं जहाँ बीजेपी
की सरकार है, तो इसी तरीके से दिल्ली में भी, क्योंकि केंद्र है तो सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी होती हैं लोगों की, और इस समय भी भारत में ही नहीं पूरे विश्व की निगाहें टिकी हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में आप ये देखो, एक हरियाणा छोटा सा है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, और वहाँ पर हरियाणा को भी आप देखोगे ना तो दिल्ली से इतना बढ़िया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है और ये देश की राजधानी है। यहाँ किसी एंगल से दिखती नहीं है देश की राजधानी है, सड़कें देख लो सारी टूटी हुई है, कहीं भी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं दिखती। केजरीवाल ने तो दिल्ली का नाश मार दिया बिल्कुल, पांच अच्छा, साल में 20 साल पीछे कर दिया दिल्ली को। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, केजरीवाल की ये योजना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो स्टूडेंट के लिए भी वो फ्री कर देंगे, बसेस फ्री कर देंगे। एज अ स्टूडेंट आपको ये फ्री स्कीम्स के लिए आप नकार रहे हैं, मतलब पता चल रहा है कि युवा का क्या ये फ्री स्कीम अगर आपको भी तो फायदा हो सकता है। देखो जी, फ्री अगर हम ये सीधा सीधा नहीं ठल्ला बढ़ाने का ही है, अगर आप सब कुछ फ्री भी कर दोगे ना जी तो लोग शिक्षा नहीं करते। देखो पैसे लगते हैं तभी हमें उस चीज़ की वैल्यू पता लगती है, अगर हम कोई भी चीज़ फ्री फ्री कर देंगे तो वो हमें उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं पता लगेगी। जी जी बिल्कुल जी, ठीक है, वैल्यू की बात आपने करी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी, केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली मैंने शिक्षा फ्री कर दी, क्या केजरीवाल जाना दिल्ली में मात्र 3 स्कूल सजाने से क्या शिक्षा मतलब जाना ठीक होगी? उसमें कुछ मतलब जाना, अभी आज भी एक मैं कोई के लिए बेटी मेरी कोचिंग पढ़ाती है, मैं उसके पास गया था, उसके पास मतलब देने सरकारी स्कूल से बच्चे बहुत बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं, वो कोचिंग करा रही है, वो कह रही है कि उन बच्चों को मैथ और साइंस दोनों कुछ आते नहीं। अच्छा, और वो कहते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, जब मतलब जाना वहाँ मैथ के टीचर नहीं है साइंस के टीचर नहीं है, एक शीशा बना दिया सुंदर बना दिया, सुंदर बनाने से स्कूल सुंदर बना दिया, सुंदर बनाने से क्या पढ़ाई आ जाएगी? जब उसमें मास्टर है ही नहीं टीचर है नहीं, उसका मतलब बढ़िया लिपापोती कर दी, ना मैथ के टीचर हैं यहाँ ना यहाँ से मतलब जाना, फिर भी अगर दूसरे स्टेटों में ये कहते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। दिल्ली में मात्र क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 स्कूल होंगे, लेकिन हरियाणा है या गुजरात है, गुजरात में मोदी जी लगातार 15 साल तक 18 साल 20 साल तक वहाँ मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने वहाँ का अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना हमारे देश में तो वो सारी गुजरात से आती हैं, अगर उन्होंने मतलब वहाँ मतलब तरक्की करी तब भी मतलब गुजरात का आदमी आज भी है ना, गुजरात के 10-10 लोग इकट्ठे पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली के दो आदमी मतलब जाने एक जगह नहीं बैठ सकते। बट केजरीवाल का कहना है कि बहुत हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई किसने कराई है मैडम? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराई है किसी ने? मतलब उन्होंने कभी कहा है मोदी जी ने कि मैं मुसलमानों को, अगर वहाँ से पाकिस्तान से अगर मुसलमान अगर आया हुआ है तो उनको क्या मतलब जाना यहाँ मतलब नहीं दे रहे वीजा, यहाँ भी उनको दे रहे हैं, या मुसलमान कोई आ रहा है तो किसी मुसलमान को यहाँ रेडी लगा के अगर मतलब सब्जी बेच रहा है तो हिंदू से मोल नहीं ले रहा, या उसकी किसी के किराए पर मकान रहे तो उसको दे नहीं रहा? अगर कोई गलत काम, देखो मैडम अगर कोई हिंदू होगा चाहे मुसलमान हो, अगर कोई गलत काम हिंदू करेगा तो हिंदू को किराए दे देगा मकान, या उसके साथ कोई मतलब मित्रता करेगा? अगर कोई ठीक मुसलमान है अच्छा आदमी है मुसलमान है तो वो यहाँ रेडी लगाता है उससे सब्जी भी लेते हैं, अगर वो कोई बिजनेस मैन है तो उससे बिजनेस भी करते हैं, अगर उसको स्कूल में टीचर है तो उससे पढ़ते उसको गुरु जी के उसके पैरों में हाथ भी लगाते हैं, तो या मुसलमानों के यहाँ की इज्जत नहीं है? या मतलब हमारे वहाँ हिंदू बैठे हैं पाकिस्तान में तो वैसे तो हम नहीं रहे ना, मतलब हिंदू मुस्लिम का कोई जिस तरीके से बताया जा रहा है हिंदू मुस्लिम की कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। या स्कूल में अगर टीचर हमारा मुसलमान है तो हमारे स्टूडेंट जाते हैं क्या उनके पैरों को हाथ नहीं लगाते? अगर वहाँ हमारे पैरों को हाथ ना लगाए फिर तो ये कह सकते हैं कि मुसलमान और हिंदू नहीं है। तो किन मुद्दों को लेकर इस बार बीजेपी आ सकती है और केजरीवाल जो हाईलाइट कर रहे हैं वो क्या हो सकते हैं? कुछ नहीं है, मतलब मीडिया में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं, जहाँ भी मीडिया अखबार मीडिया जो भी है पैसा दे रखा है, आपको पता है पैसे जहाँ ज़्यादा पैसे देंगे वो उसी के गाने गाएंगे, तो उन्होंने पैसे ज़्यादा दे रखे हैं, पैसे देने से मतलब ना वो हो रहा है। और कुछ मतलब ना किसी आदमी अब ये कह दिया मतलब ना हमने किराया फ्री कर दिया, अब कल मैं मेट्रो में चल रहा था तो मेट्रो में किसी लेडी से पूछा मैंने कि आपके मेट्रो में भी किराया फ्री कर दिया, बोले नहीं जी मेट्रो में नहीं है बस में है। बस में किसका किराया कि बस में कौन जाता है जी? बस में वो जाता है जिसको ड्यूटी जानी होती है, आम महिला तो ऊपर जाना नहीं, दिल्ली में कितनी महिला इतनी होगी जो ड्यूटी करने जाती है? वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% महिला होगी वो जो ड्यूटी जाती है, उनका किराया माफ़ हो गया, या कोई जेब गतरी है उनका किराया माफ़ हो गया। पूरी दिल्ली ज़्यादा हुआ तो किसी की जेब मार ली वहीं उतरगी, दूसरी उधर चढ़गी, किसी जेब मार ली उसमें चढ़गी, उनका फायदा हुआ ना आम आदमी को क्या फायदा? आप बहुत देर से सुन रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाहें? मैं एक किसान हूँ, किसानों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, फसल बीमा। कहाँ पर किसान खेती करते हैं आप? हरियाणा में। जी मैं हरियाणा में करते हैं। हाँ जी हाँ जी। हरियाणा में कहाँ पे? हरियाणा में फतेहबाज। ओके हाँ जी। ओ वाओ हाँ जी। तो क्या आप क्या बोलना चाहेंगे कहना चाहेंगे दिल्ली में किसका पड़ा भारी लग रहा है आपको? और दिल्ली में बीजेपी का ये जी बीजेपी का जी। आपके यहाँ किस तरह का विकास हुआ है बिकॉज आप किसान हैं? हमारी जी फसल बीमा योजना चालू करी उससे किसान सुरक्षित हो गया जी। अच्छा हुआ है जी। पर कई विपक्ष का कहना है कि खेती पे कोई ध्यान नहीं दिया गया किसानों के लिए। नहीं वो झूठ बोल रहे हैं सर।
अच्छा। उनको बिल्कुल झूठ कैसे बोला कहते हैं, झूठ बोल रहे हैं वो। अच्छा, आपका खेती अच्छे से होता है? बढ़िया हो रहा है जी, पिछली बार में फसल खराब हो गई। किस तरीके के किसान को सहयोग मिला है इसमें जी? पूरे विश्व में जो है नरमा है, जो गेहूँ का है, हर एक फसल का जो है बीमा होता है, उससे किसान को बड़ा फायदा मिलता है। एक सेकंड, हमारे साथ सर भी कुछ कह रहे हैं पीछे से, आपका क्या कह रहे हैं? बीजेपी जीतेगा, बीजेपी जीतेगा, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी आएगी, पक्का। अच्छा, बात है, पक्की बात। आज जो देश मजबूत हुआ है बीजेपी, मोदी का देन है, मोदी का देन है। किस तरीके से, कैसे, कोई एग्जांपल दे हमारी भीड़ को कुछ? सब जगह सब तरीके से, इतने हथियार, इतने सब चीज आए हैं, वो मोदी का देन है। मोदी अगर देश विदेश गए हैं तो वो कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। बट देश विदेश जब वो गए, विदेशों में तो जाने में उनके कई सवाल खड़े करे किए गए हैं, वो झूठ अफवाह है। अच्छा, हाँ झूठ अफवाह है, गलत तो किसी को भी बता दो। लेकिन केजरीवाल का दावा है कि 70 की 70 सीटें हमारी आएंगी। मोदी जैसा ना कोई प्रधानमंत्री आया है ना आएगा। बट अगर सीएम की बात करें दिल्ली में, सीएम बीजेपी का रहेगा, बीजेपी का ही रहेगा। हाँ। किसको देखना चाहते हैं बीजेपी का उम्मीदवार? मनोज तिवारी से। हाँ। अच्छा जी, उससे बढ़िया डॉक्टर हर्षवर्धन जी। अच्छा। हाँ, यही सीएम बनने लायक है। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, 1,90,000 मैंने इनकम टैक्स इस साल भरा है, मैंने विकास के लिए दिया, उस पैसे को ये फ्री करके उड़ाने के लिए नहीं दिया। बहुत दिनों से मैं सुनता रहा कि दिल्ली को पैरिस बनाएंगे, पैरिस बनाएंगे। हाँ, दिल्ली, केजरीवाल का नारा था कि दिल्ली, दिल्ली पैरिस बन रहा है। जितने भी स्कूल इन्होंने बनाया है, मैं एक टीचर हूँ, जितने भी स्कूल बनाया है उन्होंने ठेकेदार को दे करके और कमीशन बेसिस पे इन्होंने कमा लिया, और इतना कमाया है उनको पता है मुझे आना नहीं है, और ये बैठ करके ज़िंदगी भर खाते रहेंगे और कुछ नहीं है। देखो, पूरी दिल्ली जानती है कि बीजेपी केजरीवाल ने 80 करोड़ पे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है, 80 करोड़ पे मीडिया वालों को और अखबार में एफएम वालों को सबको, इसलिए सारे केजरीवाल 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 हो रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसने क्या करा, जनता का पैसा, जो ये गवर्नमेंट मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और वो पैसा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है और ये सब पूरी जनता जानती है। और कल हर कोई कमल का बटन इतनी जोर से दबाएगा कि वहाँ शाहीन बाग में भी पता लगेगा कि हिंदू जाग गया है। क्या बात है, चाय वाले से शुरुआत हुई, देन किसान, स्टूडेंट, कि हिंदू मुस्लिम तो हम बनाते हैं, जो बच्चा पैदा होता है ना उससे अगर आप पूछेंगे कि आप हिंदू है मुस्लिम है से, वो नहीं बताएगा। हम उनको बार बार जो है प्रेरित करते रहते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ये माहौल हम लोग ही बनाते हैं कि क्या माहौल है, और जनता से हमने जाना है कि जनता का क्या है। इस तरह से ये लोग सारे के सारे पार्टी के लोग जो है, केजरीवाल जी जो कह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, आपने देखा होगा शाहीन बाग में भी जो गोली चली है वो कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता था, वो आप पार्टी का वो कार्यकर्ता था, और भी जितना ये जो शाहीन बाग में भी चल रहा है ये सारा का सारा केजरीवाल ही करवा रहा है, उसी का ही ये है। और वो खुद हिंदू मुस्लिम बनाना चाहता है इलेक्शन को, बीजेपी ने कभी नहीं बनाया, क्योंकि और ये नहीं कि मुस्लिम सिर्फ दिल्ली में रहते हैं, भारत में और भी काफ़ी जगह रहते हैं, और कहीं भी ऐसा इलेक्शन नहीं बना, क्योंकि ये केजरीवाल ने ही बनाया है इलेक्शन। ये 370 की धारा हट गई मैडम, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, नहीं तो कांग्रेस या केजरीवाल। हाँ, सवाल करना चाहूंगी कि आप 370 से जो कश्मीर से धारा हटी है, अनुच्छेद हटा है, तो उन मुद्दों को ध्यान में रखकर बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि वो राष्ट्रहित के मुद्दे थे? नहीं, 370 तो एक एडिट कर लीजिए, उसको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन भारत का जो मान और सम्मान पूरे राष्ट्रों में जो हुआ है उसके लिए, और ये भारत एक कहा जाता है विश्व गुरु बनेगा और बना हुआ था, इसके सम्मान में अगर किसी ने कोई काम किया है तो मोदी जी ने काम किया है। चुनावी मुद्दों को देखें तो लोगों का, जनता का मूड अलग अलग ही दिखाई दे रहा है, लोगों का झुकाव जो बिल्कुल पलट गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही रोमांचक इस चुनाव को बना रहा है। लेकिन चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड ऑल्सो ये जो इतना सारा कुछ हुआ जिसमें हमें पता चला कि किसकी हकीकत को हम लोगों ने खुद निकल कर जाना, चाहे वो चाय वाले भैया हो या फिर जनता हो, उनसे खुद रूबरू हुए, खुद जाना, सवाल किए, तो उन्होंने भी हमसे कई सवाल किए। हाँ, एक्चुअली और काफी कुछ जानने को मिला कि कहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे अभी हमें हरियाणा के मिले, एंड किसान मिले, एक शिक्षक मिले जो छात्रों को पढ़ाते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल से लेकर, एक सभी बहुत ही अच्छा निकल कर जो सामने आ रहा है वो इन चुनाव को रोमांचक और भी ज्यादा बना रहा है, और देश, पूरे देश की नजर दिल्ली के चुनावों में तो है ही। अब ऐसे में देखना होगा कि 11 तारीख को किसकी सरकार बनेगी, एंड हम लोग तो एक्साइटेड हैं ही ना, आई एम श्योर आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। अगर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे साथ।